हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज, अक्षय शर्मा, क्लास 12th, 23 जुलाई 2021। तो मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। हर बार की तरह कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं बौद्धात्मक प्रश्न। क्या बोलते हैं हिंदी में? बौद्धात्मक प्रश्न, जिसमें बुद्धि लगे। तो बेटा, क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं? क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि समूह 15 को निकोजन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, या फिर समूह 16 को कैल्कोजन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, समूह 17 को हेलोजन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, समूह 18 अक्रिय होता है, क्यों होता है। तो हर एक चीज़ का कारण है। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को उठाता हूँ कि समूह 15 को निकोजन कहा जाता है, क्यों। ग्रुप 15 इज ऑल्सो कॉल्ड निकोजन्स, वाई। या फिर दूसरा क्वेश्चन अगले पे आएंगे हम बाद में, पहले इसका उत्तर करें। तो इसका उत्तर है बेटा, समूह 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटिन, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटिन, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनका नाम हिंदी में लिख लो तो यही हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटिन, एंटीमनी एंड और बिस्मथ। इनको कंबाइंडली कहा जाता है निकोजन। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो बेटा, अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हटा दी जाए तो नाइट्रोजन होती है उसमें मेजर क्वांटिटी में। तो नाइट्रोजन फैमिली की सारी गैसेस क्या करती है? सफोगेशन प्रोड्यूस करती है। और निकोजन जो है वो एक ग्रीक शब्द है जो बना हुआ है निको से। निको का मतलब होता है सफोकेशन। निको का मतलब क्या हो गया? घुटन। प्लस जन्स, जन्स का मतलब होता है भैया प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर, उत्पादक। तो जो घुटन पैदा करे या घुटन उत्पाद करे वो क्या होते हैं? निकोजन कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन हटा दी जाए तो बचती है नाइट्रोजन गैस। तो इसके सारी फैमिली के सारे कंपाउंड क्या करते हैं? घुटन पैदा करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसलिए क्या कहलाती है? ये निकोजन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, समूह 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। समूह 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं, क्यों? Why is एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 कॉल्ड कैल्कोजन? तो कैल्कोजन्स बनाने वाले
कैल्कोजन क्या होता है? तो समूह 16 के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका भी उत्तर है बेटा अपने पास। समूह 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। तो बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम जो है ये कहलाते कैल्कोजन। तो बेटा कैल्कोजन भी एक क्या है? ग्रीक वर्ड है जो बना है कैल्को और जन से मिलकर। कैल्को और जन से मिलकर, कैल्को का मतलब होता है अयस्क यानी कि ओर। क्या बोलते हैं इनको? अयस्क। और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो बेटा इस फैमिली के सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये मेन कंपोनेंट है ओर्स बनाने के। ओर्स क्या होता है? जिससे हमें मेटल मिलती है। ऑक्साइड ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी ओर का जो कि हमें मिलते हैं ज़मीन से। ओर क्या होता है? ऐसे पदार्थ, ऐसे ऐसे मिनरल या ऐसे खनिज, ऐसे मिनरल्स जिन्हें हम ज़मीन से निकाल कर आसानी से और कम पैसा खर्च करके क्या कर सकते हैं? उसमें से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओर्स। तो ये ओर्स का निर्माण करते हैं कौन? ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम भी होता है थोड़ा बहुत, टेलियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव होते हैं इसलिए ये तो पार्टिसिपेट नहीं करते। ये तीनों होते हैं इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कंबाइंडली कैल्कोजन कहलाते हैं। बेटा तीसरा क्वेश्चन, समूह 17 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं क्यों? हेलोजन कहलाते हैं क्यों? यह है क्वेश्चन। समूह 17 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं क्यों? व्हाई इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 कॉल्ड हेलोजन? हेलोजन्स। तो बेटा इसका भी कारण है, इसका कारण ये है कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन क्या है बेटा? हेलोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। बाहर पर थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है। दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो और जन। तो बेटा मैं इसका मतलब बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा कि इस ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इस ग्रुप में बेटा फिर, कल, बहार, आई, अंटी, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, एस्टेटिन। हाँ भैया, हेलो का मतलब होता है लवण या नमक या सॉल्ट, और जन का मतलब होता है निर्माता, उत्पादक, प्रोड्यूसर। तो जो नमक बनाते हैं वो क्या होते हैं? हेलोजन। तो भैया क्लोरीन भी बनाता है, फ्लोरीन भी, आयोडीन भी, फ्लोरीन भी, ये सब नमक बनाते हैं। सारे के सारे क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको कंबाइंडली क्या कहा जाता है? हेलोजन्स कहा जाता है। तो बेटा ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए कि ग्रुप 15 को निकोजन क्यों कहा जाता है, ग्रुप 16 को कैल्कोजन क्यों कहा जाता है और ग्रुप 17 को हेलोजन क्यों कहा जाता है। तो बेटा मिलता हूँ मैं आपसे कल।
है।